हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही रिच क्रीमी टेक्सचर का पनीर का रेसिपी लेके आई हूँ, दम पनीर काली मिर्च। ये सर्दियों में ही खाने वाला रेसिपी होता है क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी होता है। हम लोग काली मिर्च और इसमें स्पाइस जो है तो गरम मसाला का स्पाइस भी आता है, काली मिर्च भी पड़ता है, ग्रीन चिली भी होता है, रेड चिली भी होता है, तो ये एक बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है, इसलिए सर्दियों में ही इसका मजा अलग आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस और देखते हैं किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पनीर लिया है 200 ग्राम, इसको मैं क्यूब्स में काट लूँगी अभी। और मसाले में मैंने लिया है नमक, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये है क्रीम अराउंड 2 टेबलस्पून, ये मैंने काजू का पेस्ट बनाया है जो अराउंड 15-20 काजू को मैंने पानी में भिगो के रखे, फिर उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया। और मसाले में मैंने लिया है यह है गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हमें ज़्यादा चाहिए इसमें, यह कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हम लोग क्रश कर लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। यह है सेफ्रॉन, साबुत गरम मसाला, यहाँ पे लौंग, दालचीनी और इलायची है, ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, एक बड़ा टमाटर है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हम लोग प्याज को स्लाइस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें तेल दे के ये गरम हो गया है, सरसों का तेल यूज़ किया है, गरम मसाला दे दिया मैंने इसमें। थोड़ी देर बाद इसमें हम लोग प्याज फ्राई कर लेंगे, प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट करना है, बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, 1-2 मिनट करीब ही फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। हमें टमाटर को पूरा पेस्ट नहीं बनाना है यहाँ पे, बस सॉफ्ट कर लेना है। और इसमें मैं जिंजर गार्लिक के पेस्ट भी ऐड कर दूंगी अभी, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग को। और एक्चुअली हमें इसमें ज़्यादा फ्राई इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम लोग को इस मसाले का एक पेस्ट बनाना है, इसलिए 1-2 मिनट के करीब ही हम लोग बस इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें ये जो मसाले हैं उसे ऐड कर दूंगी, ये सारे मसाले इसमें दे दूंगी मैं। हम लोग काली मिर्च और गरम मसाला को अभी नहीं देंगे, उसे बाद में यूज़ करेंगे। और इसे 1 मिनट के करीब ऐसे फ्राई करके फिर इसे हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट इसीलिए बनाना है क्योंकि ये जो रेसिपी है दम पनीर काली मिर्च, इसका जो ग्रेवी होता है बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का होता है, इसलिए ये प्याज टमाटर वगैरह सब हम लोग एक फाइन पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, बस इसका अभी मैं गैस बंद कर दूंगी, गैस बंद करके इसे हम लोग ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही पेस्ट बना पाएंगे इसका। देखिए ठंडा हो गया है, अब ये मिक्सिंग जार में मैं इसे इस मसाले को दूंगी, और ये काजू पेस्ट है इसे दूंगी, और हरी मिर्च लिया है मैंने 3, आप लोग चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेसिपी वैसे भी बहुत स्पाइसी होता है। ये देखिए पेस्ट बन गया है, मैंने पेस्ट बनाने के टाइम पे थोड़ा सा पानी यूज़ किया है इसमें, अब मैं इसको छान लूँगी क्योंकि जो खड़े मसाले हैं उसे हम लोग निकाल लेंगे फिर छान के, आप लोग चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं छानने के टाइम पे। एक
पैन गरम कर लिया है। इसमें मैंने अभी 2 टेबलस्पून घी दिया है। ये घी बस फ्लेवर के लिए दिया जाता है इसमें। और इसमें मैं अभी काली मिर्च ऐड करूँगी। ये काली मिर्च क्योंकि ये रेसिपी ही काली मिर्च का है, तो काली मिर्च आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं। और ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को मैंने एक पाउडर बना लिया था क्रश करके। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो काली मिर्च को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ये पेस्ट जो बनाया था उसे दे दूँगी। इसको मैंने पानी थोड़ा ऐड किया था क्योंकि अभी इसी में हमें पनीर को भी थोड़ी देर के लिए कुक करना है, और ज़्यादा गाढ़ा होने पे छानने में भी प्रॉब्लम होता है। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। इसे थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे ही पकाना है। थोड़ा पनीर देने के बाद ग्रेवी को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, अराउंड 1 मिनट। थोड़ा इसमें उबल आने देंगे। ये नमक भी ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इस दम पनीर काली मिर्च का ये क्रीम है, इस क्रीम को देने के बाद अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक वो फ्लेवर के लिए हम लोग थोड़ा सा नींबू का रस यूज़ करेंगे। वो एकदम लास्ट स्टेप होता है। एक ही चम्मच मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस है और सेफ्रॉन। अब मैं इसमें ये गैस बंद करके मैं गरम मसाले को ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए गरम मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। गैस बंद है, इसे 5 मिनट्स के बाद हम लोग इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे निकाल के सर्व कर दिया है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दम पनीर काली मिर्च। हम चीज़ें थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें, लेकिन बहुत ही टेस्टी ग्रेवी होता है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का होता है। स्पाइसी है तो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें बोलिएगा कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू।